स्टूडेंट, आज आपके सामने हम वो वीडियो लेकर आए हैं जो आपको कभी भी कोई नहीं बताया होगा। वो वीडियो है जो कि आपका इंग्लिश रिलेटेड है, यानी आप समझ सकते हैं जो आपको वर्ब होता है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब होता है मतलब क्रिया, क्रिया जो हो रही है उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती है, मतलब उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो उन सभी फॉर्म्स के अभी आपने तो तीन ही फॉर्म सुने होंगे, हो सकता है, बट अगर सुने हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैं पांच फॉर्म बताऊंगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब पांच फॉर्म, पांच अवस्थाएं आपको यहाँ पर आज हम बताएंगे। किसी भी आपकी क्रिया हो, चाहे जो भी क्रिया हो, उसकी हम यहाँ पर पांच अवस्थाएं आपको आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। पांच अवस्थाएं, पांचों अवस्था बनाने के लिए आपके यहाँ पर कुछ रूल है। उन रूल को अगर अभी एक बार आप दिमाग में बैठा लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग बैठाना, बाकी आप जितना बनाएंगे ना वो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार रूल देख लेंगे ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन, आपका फॉर्म्स बनाने में प्रॉब्लम्स ना हो, ये चीजें सीखना है, ठीक है। तो पहले नंबर तो समझते हैं कि ये फॉर्म्स क्या होती हैं और ये कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं और इसके रूल जो है उसको हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर समझिए इनकी, जो आपका ये फर्स्ट फॉर्म्स होता है, जो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है ना, इसको बोलते हैं क्या, प्रेजेंट फॉर्म्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। ओके, आप समझ गए। पहला फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म्स होता है, और जो सेकंड फॉर्म होता है ये फॉर्म हमारा होता है पास्ट फॉर्म। ये हमारा कौन सा फॉर्म होता है, ये हमारा पास्ट फॉर्म होता है, मतलब ये हमारा पास्ट होता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा फॉर्म होता है, तीसरा को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको हम, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। उसके बाद आपका चौथा जो होता है, चौथा उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम थोड़ा इधर और कर दें ताकि आपके लिए, चौथा जो होता है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फिफ्थ जो होता है आपका, पांचवा जो होता है वो होता है आपका यस या ईएस फॉर्म, ठीक। इसको हम प्रेजेंट में रखते हैं, किसमें, प्रेजेंट में ही रखते हैं। तो ये हो जाता है, ये हमारी पांच अवस्थाएं हो जाती हैं। आपका बुक में आप इतने सुने होंगे, बुक में आपको ये तीन फॉर्म्स मिले होंगे, ठीक है, ध्यान देना। ये दो फॉर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ये पांच फॉर्म दिमाग में बैठा के चलेंगे तब तो आपको लिए, आपके लिए जो है टेंस वो इजी पड़ जाएगा, और बहुत सारी इंग्लिश सीखने में भी, इंग्लिश पढ़ने में भी, ट्रांसलेशन करने में, बोलने में, स्पोकिंग, मतलब कोई भी चीज हो उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत ही आपको आसान पड़ जाएगा सारी चीज समझे। तो कैसे इसको हम समझेंगे और कैसे इसे यूज करना है अपनी स्पोकन इंग्लिश में या अपने ट्रांसलेशन में, वो सारी चीजें भी यहाँ समझेंगे और इनको बनाने का तरीका भी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या समझते हैं, प्रेजेंट मतलब समझ सकते हैं जो कंडीशन, मतलब ऐसे हो कि वो अभी की बात बोली जा रही हो, कुछ ऐसी बात हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर कुछ बोलूं जाना, मैं यहाँ पर क्या बोलूं, जाना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूं जाना, तो गो, गो माने क्या होता है, जाना, ठीक। अब गो माने जाना, लेकिन अगर इसको हम पास्ट में बोलते, आप खुद सोचिए कोई चीज जाने के रूप में बात रही, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं घर जा रहा हूँ, अगर आप पीछे बोलते क्या मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा बोलते मैं घर जा रहा था बोलते ना, मतलब मैं घर गया, उस समय की बात हो रही है कि मैं घर गया था, मैं भी घर, मैं 2 बजे घर जाता हूँ, तो आप पीछे बात बोलेंगे मैं घर 2 बजे घर जाता था, ऐसा कुछ बोलते हैं, पीछे की बात बोलते हैं, मतलब 2 बजे घर गया। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म इसका हो जाता है क्या, वेंट। क्या हो जाता है इसका, वेंट, ठीक है, क्या हो जाता है, वेंट। और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनता है, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, वो लोग इन दोनों फॉर्म कंफ्यूजन करते हैं, दोनों फॉर्म दिक्कत होती है। तो तीसरा फॉर्म होता है गॉन, क्या होता है, गॉन, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये फोर्थ मतलब हमारा फॉर्म होता है, ये होता है गोइंग, क्या होता है, ये गोइंग। और कैसे बन रहे हैं ये सारे रूल तो यहाँ बताने वाले ही हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो होता है ये गोज होगा, और ये कब होता है इसको समझना। यहाँ पर एक वचन के रूप में अधिकतर लगाते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई आपके लिए, तीन चीजें हो गई। अब यहां पर तीनों चीजों को समझने के लिए, मतलब इन सबको समझने के लिए आपके पास रूल कुछ है। यहां पर पहला रूल यहां पर लिखे हैं, बाकी सिर्फ ही पहला रूल यहां पर है। कुल मिलाकर के यहां पर मैं 8 रूल लिखा हूं,
यानी 9-10 रूल आपको बता रहा हूं। पहला रूल ये है कि बिना किसी रूल के ये आपस में चेंज हो जाते हैं, जो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा। बिना किसी रूल के, इसमें कोई रूल नहीं लगता है, परंतु आपके जो फॉर्म्स होते हैं वो चेंजेज हो जाते हैं। जैसे आपका गो देख रहे हैं कि गो का हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, बाकी गोइंग हो गया, गोज हो गया, ये हो गया। इसी तरीके अगर आप ईट बोलेंगे, ईट माने खाना, ईट का आपका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, एट। एंड अगर उसका हम पार्टिसिपल फॉर्म देखें, थर्ड फॉर्म देखते हो, तो क्या हो जाता है, ईटेन। क्या हो जाता है, ईटेन, मतलब ईट एट एटेन, और बाकी ये समझते हैं ईटिंग एट्स, ये होगा। और इसी तरीके से कुछ मतलब बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। आपका हो जाता है क्या, राइट। राइट पर देखते हैं तो हमारा सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, रिटेन। क्या हो जाता है, हमारा सेकंड फॉर्म रिटेन। और अगर हम थर्ड फॉर्म की चर्चा करें, इस थर्ड फॉर्म की चर्चा करें, तो हमारा सॉरी सेकंड फॉर्म रोट होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। तो देखिए चेंजेज हैं, इसमें कोई रूल नहीं काम कर रहा है, इसमें कोई रूल नहीं। तो कुछ ऐसे फॉर्म्स मतलब कुछ ऐसी वर्ब हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके लिए कोई रूल नहीं होता है। जैसे अभी आपने देखा गो का, देखा ईट का, देखा राइट का, देखा गो का, देखा गो बेंट कॉन, ठीक, ईट का देखा ईट एट ईटेन, और उसके बाद राइट का देखा राइट रोट रिटेन। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, आप अगर समझते हैं तो। इसी तरीके का आप देखेंगे वर्क होता है तो वर्क का भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। इनको हम छोड़ते हुए चलते हैं नियम पर, चलते हैं नियम पर, बताते हैं। फर्स्ट नंबर नियम क्या कह रहा है, डी और ईडी जोड़कर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाए। ये फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सभी के लिए वही रूल होता है। इसके लिए कोई रूल नहीं, इसके लिए बस यही रूल है कि इसमें आईएनजी फॉर्म इसको हम बोलेंगे और इसमें एस ए आई एस फॉर्म बोलेंगे। दिमाग में यही बैठाना है, एस ए आई एस फॉर्म, ओके, बात समझ गए। क्रिया में हमें आईएनजी जोड़ना है और क्रिया में हमें एस ए आई एस जोड़ना है। ये हमारा हो जाता है फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। बचते हैं तीन फॉर्म, तीन फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर तीन मतलब बहुत सारे रूल हैं। तो पहला बता रहा है कि डी और ईडी को जोड़ करके हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म तैयार कर सकते हैं। क्या, डी और ईडी जोड़ करके। अच्छा, डी और ईडी जोड़ करके तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगला दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर वर्ब हो, ये जो आपका वर्ब होता है उसमें डी और ईडी जोड़ करके तो हम बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर लास्ट में ई हो तब आप उसमें डी केवल जोड़िएगा, ये भी बता रहा है। तो इन सभी रूलों को हम उपयोग करते हुए कुछ आपके लिए चीजें हम यहाँ पर आपको बताने चल रहे हैं, आराम से देखिएगा, समझिएगा। पहला रूल आपका है, जैसे आप देखें अगर इसको समझना चाहते हैं कि हम केवल डी और ईडी जोड़ें, डी और ईडी जोड़ें, तो आपको समझिए, जैसे यहां पर आपका हो गया इंजॉय, क्या हो गया, इंजॉय, दिमाग लगाइए, इंजॉय हो गया, ठीक। अब इंजॉय का पास्ट फॉर्म क्या होगा, हमें डी लगाना होगा कि क्या लगाना होगा, तो हम यहाँ पर डी लगा सकते हैं, बस एंजॉय, इंजॉयड हो गया, क्या हो गया आपका, इंजॉयड हो गया, ठीक। और सेम इसी में भी आपका इंजॉयड हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर अगर देखें तो इंजॉय है तो इंजॉय, अब इसमें आईएनजी जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है, आईएनजी जुड़ता है, इसमें बस वही इंजॉइंग ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें का रूल हमें कोई बताने की जरूरत खास नहीं है, हमें तीन ही रूल जाना है, इसमें तो केवल आईएनजी, इसमें ऐसे आईएस जुड़ना होता है बस, ठीक। अब हम अगर चर्चा करते हैं कि इसमें कुछ है जिसमें डी लग गया, डी वाला ये भी था कि लास्ट में अगर ई हो तो डी जोड़ करके बनाइए, लास्ट में ई हो तब डी जोड़ करके बनाइए, ओके। अगर मैं इसी तरीके से चर्चा करता कि मान लीजिए आपका अराइव होता, क्या होता, अराइव होता, दिमाग लगाइएगा, अराइव होता। अब लास्ट में इसके क्या है, ई है, लास्ट में इसके क्या है, ई है, और जब ई है तो इसमें बोला जा रहा है ई है, तो केवल डी जोड़ दीजिए और वर्ब या सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। हम इसमें क्या करेंगे, अराइव्ड हो जाएगा ये, और ये भी आपका अराइव्ड हो जाएगा, जिसको हम अराइव्ड बोलते हैं, केवल डी जुड़ गया, बस ई है लास्ट में। तो ये दो रूल को फॉलो हमने कर लिया। और तीसरा रूल यही कह रहा है कि वर्ब के अंत में अगर वाई हो और उसके पहले कॉन्सनेंट हो, मतलब अगर जो वर्ब है उसके लास्ट में वाई आपको दिखे, और वाई दिखने के पहले उसमें बोल रहा है कि उसके पहले कॉन्सनेंट हो, वाई के पहले आपका कोई कॉन्सनेंट हो, मतलब व्यंजन हो, कोई कॉन्सनेंट हो, तो वाई को आई में बदल करके ईडी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, ईडी जोड़ेंगे, पहले तो वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, उसके बाद ईडी जोड़ देंगे, उस वक्त क्या जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे। कुछ ऐसी बातें इसमें बोली जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना, इसके लिए हम चलते हैं जैसे ट्राई, जैसे ट्राई,
ट्राई। अब ट्राई में देखिए लास्ट में वाई एंड उसके पहले कॉन्सोनेंट है, यस आर है, कॉन्सोनेंट है ही, तो बोला जा रहा है कि वाई को आई में बदल दीजिए, वाई को आई में बदल दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं वाई को आई में बदल देता हूँ, वाई को आई में मैंने बदल दिया। फिर बोल रहा है कि आई में बदल कर कर ईडी जोड़ दीजिए, हम ईडी को जोड़ देते हैं। इस तरीके से हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म तैयार कर सकते हैं, मतलब सेकेंड भी और थर्ड भी तैयार कर सकते हैं। और ये कुछ जो पहला विदाउट रूल का हम जो बताए थे, ये रूल इसमें तीनों चीजें चेंज होती हैं, सेकेंड अलग, थर्ड अलग, फर्स्ट अलग। लेकिन इन सब में क्या होता है, फर्स्ट अलग होता है, सेकेंड और थर्ड सेम ही होता है, तो हो जाता है इस रूल पर आपका हो गया। एक और मैं लगा देता हूं आपका कैरी, क्या हो गया कैरी। अब खुद दिमाग लगा सकते हैं, अब इसको पाएंगे तो अपने आप समझेंगे कि वाई है, वाई पहले व्यंजन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि वाई को हम आई लगाएंगे, ईडी लगा देंगे, सेम आपकी सारी क्रियाएं बन जाएंगी, ये हो जाती है। ओके, यहां पर बात को आप समझ गए, तो ये आपका हो गया। अब अगर हम चलते हैं यहां पर इस रूल पर कि वाई हो, उसके पहले इसमें चर्चा की गई कोई व्यंजन हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन इसमें बोला जाता है कि अब वाई हो परंतु तो उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट ना होते हुए उसमें वाउल हो, कोई वाउल हो जिसमें आपका वाई जो है, वाई के पहले अगर वाउल हो तो सिर्फ ईडी जोड़ करके बनाना है आपको, क्या सिर्फ ईडी जोड़ करके बनाना है, ए दिमाग लगाना है। जैसे यहां पर था आपका, एक तो आपके सामने मैंने दिखा दिया, एक तो यहाँ पर आपके सामने आपको यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा अगर हम लेते हैं तो दूसरा आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आप सुने होंगे, कुछ अपना दिमाग लगाइए, आपको कोई एग्जाम्पल मिलता है, मिल जाएगा, देखिए अगर सोचेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा, प्ले, क्या हो जा रहा है, प्ले, लास्ट में वाई है, उसके पहले वाबेल है, तो इसमें बोला जा रहा है कि कुछ भी नहीं करना होता है, केवल केवल आप उसमें ईडी जोड़ दीजिए, बस आपका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएगा, बन गया है। तो इसके बाद अगर हम अगले रूल पर चलते हैं, पांचवें नंबर, तो बोल रहा है कि ये हो गया ना, लास्ट में आपका वाई हो, उसके पहले अगर आपका कोई वाउल है, मतलब आपका कोई स्वर है, तो आपको क्या करना है, केवल उसमें लास्ट में ईडी जोड़ देना, बाकी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला रूल ये कह रहा है कि अगर क्रिया में कॉन्सोनेंट भी हो, अंत में तो कॉन्सोनेंट ही हो, और कॉन्सोनेंट के पहले कोई सिंगल वाउल हो, उसके पहले कोई सिंगल वाउल हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, और बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वावेल हो, केवल एक वावेल हो, डबल वावेल नहीं, केवल एक वावेल हो, मतलब वाउल हो, तो ईडी जोड़ करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म तैयार कर सकते हैं। ये चीजें आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं अगर तो ड्रॉप क्या हो जाता है, दिमाग लगाइए, लास्ट में आपका क्या है, बोल रहा है कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, है पी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले कोई सिंगल वाबेल है, सिंगल वाबेल वो है, ओके है, तो बोला क्या जा रहा है कि उसमें जो आपका कहां पर था, यहां पर तो ईडी जोड़ करके भी और बनाना, और अंत में कॉन्सोनेंट को डबल कर देना, यहां पर लिखा, तो इसको हम डबल कर देंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ईडी जोड़ देंगे, लेकिन उस कॉन्सोनेंट को आपको डबल कर देना। एक बार फिर समझिए, लास्ट में आपका कोई भी कॉन्सोनेंट हो और जस्ट उसके पहले कोई सिंगल वॉवेल हो, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा और ईडी ऐड हो जाएगा, बस यही काम करना है, और इसमें भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा, ये हो गया, ये बात को आपको समझ गए होंगे, ठीक। और अब अगर हम चर्चा करते हैं कि अगला रूल अगर देखते हैं, तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई क्रिया के अंत में डी को टी में बदल करके, कोई भी लास्ट में अगर अंत में आपको डी दिख रहा है तो उसको अब टी में बदल करके बनाया जा सकता है और बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है, जैसे यहां पर आपका है क्या, बेंड, बेंड माने क्या होता है, बेंड माने मोड़ना, तो ये बेंड में देखिए लास्ट में क्या है, डी है, तो डी को क्या बदलना, केवल टी में बदल देना है, वेंट हो गया, मतलब बेंड, ओके बस हो गया, इस तरीके से था। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा लू, सेकंड
सेंड, सेंड का क्या हो जाएगा, सेंट, ठीक, इस तरीके से सेंट हो जा रहा है। तो ये वाला रूल आपका काम कर गया, 6 नंबर वाला रूल आपका काम कर गया है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम 7 नंबर वाला रूल पर चलते हैं, तो इसी में बोला जा रहा है कि अगर वर्ब के लास्ट में, अंत में डी और टी दोनों में से कोई भी हो, तो उसके पहले कोई डबल वॉवेल हो, लास्ट में बी और आपका बी क्या डी और टी हो, लास्ट में आपका कोई डी और टी हो और उसके पहले डबल वॉवेल हो, डबल वॉवेल हो, तो बोला जा रहा है कि उसमें से एक वॉवेल को, मतलब एक वॉवेल को हटा करके आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, पर कुछ पर ये नियम लागू भी नहीं होता है, कुछ पर तो लागू होता है, कुछ पर भी नहीं लागू होता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर, तो आपका सूट हो जाता है, क्या हो जाता है, सूट, सूट माने क्या होता है, गोली मारना। अब सूट के लास्ट में क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, सूट के लास्ट में वहां पर बोल रहा है कि डी या टी हो, तो डी और टी, टी है और उसके पहले डबल वाबिल है, तो इसमें बोला जा रहा है कि डबल वाबिल अगर आपको मिल रहा है तो आपको एक वाबिल उसमें से कम कर देना है, बाकी कुछ भी काम नहीं करना है, तो ये सूट शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, बस यही काम। ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें तो मीट, क्या मीट, और मीट को लास्ट में टी है, तो टी है, इसमें डबल ई आया, तो एक ई को कम कर दीजिए, तो मीट का क्या हो जाएगा, मेट, और ये भी हो जाएगा मेट, ठीक। अब बात बचती है अगले रूल की, यहां पर जो है लास्ट में, इस वाले रूल पर, इसमें कह रहा है कि लास्ट के अंत में ई हो तो हटा करके आई एन जी बना, जोड़ करके लगाना है, आई एन जी जोड़ मतलब लगा करके बनाना है, कुछ इस तरीके से है। और एक कंडीशन की कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका चेंजेज होता ही नहीं, वो ऐसे को ऐसे रहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर बोल दूं हिट, तो आपका हिट का हिट, हिट का हिट, कोई भी आपका फॉर्म हो वो सभी में वैसे रहता है, कोई भी चेंजेज नहीं होता। जैसे अगर यहाँ पर लिखूं शर्ट, यहाँ पर भी आपका होगा शर्ट और यहाँ पर भी होगा आपका शर्ट, ठीक। इस तरीके से ये हो गया एक रूल यहाँ पर। लास्ट वाला रूल को बताना था कि हटा करके आई एन जी जो लगा करके आप टाउन सफार बना सकते हैं, अगर कोई क्रिया में ई है और आपको चौथा फार्म बनाना है, तो आपको क्या काम करना होगा, आपको काम करना है कि यहाँ पर ई को हटा दीजिए, ई को हटा दीजिए और आई एन जी जोड़ दीजिए, आपका फॉर्म तैयार हो जाता है। जैसे अगर इसमें हो जाता कहीं पर ई वाला देखते, तो ये क्या है, अराइव, अराइव है ना, लास्ट में ई है, ई को हटाओ और चौथा फॉर्म बनाना है तो आई एन जी लगाओ, अराइव होगा, बाकी सभी में आई एन जी जोड़ना है, लेकिन कुछ कंडीशन जो थी ये वाला हो गया, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे हैं। और इसमें एक रूल और है कि अगर अंत में कॉन्सनेंट हो तथा उसके पहले वाबिल हो, अगर लास्ट में बोला जा रहा है कि कोई कॉन्सनेंट हो, उसके लास्ट में कोई कॉन्सनेंट और उसके पहले वाबिल हो, उसके पहले वाबिल हो, तो आपको ये वाला रूल फॉलो कर लेना है जो इसके पहले रूल था, कि उसमें आपको अंत में ई को हटा करके ऐसे कुछ चीजें कर देनी चाहिए। तो ये था अगला रूल इसमें, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलू चार्ज, क्या मैं बोलू चार्ज, अब चार्ज माने क्या होता है, जुर्माना होता है, तो अगर इसमें हम चले चौथा फार्म बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्जिंग, ठीक। ये इस तरीके से चीजों को समझना है, और इस तरीके से आपका जो होता है क्रिया का फॉर्म्स जो होता है बनता है, क्रिया के फॉर्म्स ये हैं, और इनको आप अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन करिए, पढ़िए, समझिए और बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आपके दिमाग में खुद आप याद हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से क्रियाओं को कभी भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, रिसर्च कर लेना, मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है, और यहाँ पर 1500 से अधिक वीडियोज पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारी प्लेलिस्ट लाइन से लगी हुई है, 30 प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।